नमस्कार, मैं हूं अमोल और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है वीकेबी न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत जय माता दी हमारे इस प्रोग्राम में। आज से ठीक 9 दिनों पहले ये प्रोग्राम शुरू हुआ था नागपुर की कोराडी यानी कि महालक्ष्मी जगदम्बा माता के मंदिर से, और आज है नवमी और नवमी के दिन का विशेष महत्व होता है और आज के दिन सिद्धिदात्री माता का जो है उसका पूजन किया जाता है। ऐसे कहते हैं कि आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए और वो शुभ कार्य करना टालना चाहिए। आज ही के दिन माँ दुर्गा देवी ने जो है राजा महिषासुर का वध किया था और इसीलिए उसे महिषासुर मर्दिनी जो है वो भी कहा जाता है। और आज हम आपको लेकर आए हैं आज नवमी के दिन नागपुर के राणा प्रताप नगर स्थित दुर्गा माता मंदिर में। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं ये श्री दुर्गा मंदिर है जो कि प्रताप नगर स्थित है, और सबसे खास बात पश्चिम नागपुर का ये एक बहुत ही बड़ा माँ दुर्गा देवी का मंदिर है जहाँ पर बड़ी तादाद में नवरात्रि के वक्त जो है लोग दर्शन के लिए आते हैं। और आप देख सकते हैं मंदिर के आसपास जो है पूजा के सामग्री की दुकानें जो है वो भी लगती हैं जहाँ पर बड़े तादाद में लोग जो है भीड़ करते हैं। लेकिन जैसे कि हम सभी जानते हैं कोरोना के जो नियम हैं और कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसे ध्यान में रखते हुए मंदिर ने जो है खासी तैयारी जो है वो की है। तो चलिए ये आपको लेके चलते हैं मंदिर, मंदिर का दर्शन करवाते हैं, माता रानी का हम भी दर्शन करते हैं और प्रोग्राम में आपको आगे बढ़ाते हैं। चलिए ठीक है मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार, जैसे कि हम सभी जानते हैं कोरोना की नियमावली जो है हर मंदिर के बाहर लगी होती है, तो इसी तरीके से इस दुर्गा मंदिर में भी जो है वो नियमावली जो है आपको साफ दिखाई दे सकती है। नवरात्रि के दिन क्या क्या नियम जो है, जो क्या क्या गाइडलाइंस जो है वो महाराष्ट्र सरकार ने दिए थे कि जब भी आप मंदिर में प्रवेश करते तो सबसे मेन बात जो है कि वैक्सीनेशन आपका जो है वो होना चाहिए। वैक्सीनेशन के आपके 14 दिन पूरे हो जाने चाहिए। 65 साल की उम्र से ज़्यादा के लोग और 10 साल की कम उम्र के लोगों को जो है वो मंदिर में प्रवेश वर्जित होता है। सबसे खास बात, अगर आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखना है। मंदिर में से जाते वक्त जो है आपको सैनिटाइज जो है खुद को करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो चेहरे पे अपने को मास्क जो है वो लगाना है। तो चलिए ये आपको चलते हैं सीधे मंदिर के अंदर लेकर, और अमूमन हम देखते हैं कि लंबी लंबी कतारें जो है वो हमें मंदिर में देखने मिलती है, लेकिन कोरोना के वजह से लोग जो है थोड़ा मंदिर में आना कम करते हैं और कुछ मंदिर के भी अपने कड़क नियम होते हैं जिस वजह से लोग जो है वो आते नहीं हैं। और सबसे पहले जिन लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं होता वो लोग जो है इस ओर आते हैं, और माता की एक छोटी सी प्रतिमा जो है वो यहाँ पर है, उस प्रतिमा को भी लोग जो है फूल नारियल और जो भी ओटी का सामान जो है वो जो है वो अर्पित करते हैं। एंड चलिए यहाँ से आपको सीधे अंदर जो है वो लेकर चलते हैं आपको। और इस मंदिर में प्रवेश करने के बाद आपको सिर्फ माता दुर्गा ही नहीं तो और भी कई सारे भगवानों के दर्शन करने जो है वो आपको मिलेंगे। तो आइए इस ओर हम सबसे पहले जो है माता का दर्शन करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और इसी तरीके से अलग अलग भगवानों के दर्शन जो है वो आपको करने मिलेंगे। और अगर पॉसिबल होगा तो इस ओर भी आप देख सकते हैं
श्री इकवीरा देवी अमरावती विदर्भ, श्री आगाराम देवी नागपुर, श्री जगदम्बा महालक्ष्मी माता मंदिर कोराडी और श्री जोगेश्वरी अम्बा जोगई। तो ऐसे अलग अलग माताओं का दर्शन जो है वो भी हमें करने को मिलता है। इस ओर हमें माता का दर्शन जो है, उनकी प्रतिमा जो है वो है, वो हमें देखने मिलती हैं, और इस ओर भी हमें भगवान के दर्शन करने जो है वो मिलते हैं। ऐसे ही आगे अगर हम जाएँ तो इधर भगवान श्री कृष्ण और भगवान राधे कृष्ण की जो है वो प्रतिमा है, उसका भी दर्शन करने को हमें मिलता है। और अगर हम थोड़ा आगे आएंगे तो भगवान श्री राम के भी दर्शन जो है वो भी हमें करने को मिलेंगे। तो सबसे खास बात यही है कि इस मंदिर में जब आप प्रवेश करते हैं तो माँ दुर्गा के साथ साथ आपको अन्य भगवानों के दर्शन जो है वो भी करने को मिलते हैं, और उसी के सामने अगर आप जाएंगे तो भगवान श्री गणेश के भी दर्शन करने को आपको मिलेंगे। नवरात्रि का ये दिन है और हम सभी जानते हैं लोग बड़ी तादाद में आते हैं, और यही वो माता रानी की मूर्ति है जिसके दर्शन के लिए लोग जो है वो यहाँ पर बड़ी तादाद में पहुँचते हैं। तो चलिए आपको भी माता रानी का जो है वो दर्शन हम कराते हैं। तो ये है वो माता की विलोभनीय मूर्ति जिसके दर्शन के लिए लोग नौ दिन आते हैं, और आज नवमी का दिन है, और जैसे कि मैंने बताया कि नवमी के दिन का एक विशेष महत्व होता है। और आज के दिन जो है जिस राक्षस का बहुत ज़्यादा आतंक था, यानी कि महिषासुर राक्षस, उसका अंत माता रानी ने किया था। और उस ओर अगर आप देखेंगे तो भगवान की ओर एक प्रतिमा आपको दिखेगी, और अगर पॉसिबल हो तो मैं चाहूँगा कि दूसरे साइड की जो दीवार है वो भी मेरे कैमरामैन जो है वो आपको बता दे। श्री महालक्ष्मी देवी कोल्हापुर, श्री तुलजा भवानी तुलजापुर, और रेणुका देवी माहूरगढ़, और नासिक की देवी। तो ऐसा ये खूबसूरत मंदिर है, और सबसे खास बात लोग आप देख सकते हैं बड़े ही, मैं कहूँगा कि डिसिप्लिन के साथ इस मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं, और यही खास बात है इस मंदिर की। मंदिर में दर्शन करने के बाद जब आप बाहर निकलेंगे, तो बाहर निकलने के बाद कल अष्टमी थी और कई सारे मंदिरों में जो है वो हवन किया जाता है, तो ऐसे ही यहाँ पर भी जो है हवन हुआ था कल, और लोग जो है आज भी इस हवन का दर्शन करने आते हैं। मंदिर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से फूलों से जो है वो सजाया गया है, और इधर है माँ सरस्वती की प्रतिमा, एक माता सरस्वती का छोटा सा मंदिर जो है वो भी यहाँ पर है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें, और सबसे खास बात नवरात्रि के दिन हम जानते हैं कि हर जगहों पर जो है अखंड ज्योत विशेष तौर पर जो है वो जलाई जाती है, और उस अखंड ज्योत का एक विशेष महत्व जो है वो होता है। तो हम आपको उस ओर भी ले जाएंगे जहाँ पर अखंड ज्योत जो है वो लगी होती है। तो यही वो मार्ग है कि आप यहाँ से माता का दर्शन करें, दर्शन करने के बाद आप इधर आए, इधर माता सरस्वती का मंदिर है। इस माता सरस्वती के मंदिर को दर्शन करने के बाद यहाँ पे फिर एक बार देख सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है कि नियमावली जो है वो लगी हुई है। और ख़ास बात हमने नोट की इन पूरे नौ दिनों में कि सभी मंदिरों में जो है इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि कोरोना के वजह से किसी को कोई तकलीफ ना हो। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सूचना फलक लिखा हुआ है अखंड ज्योत। तो चलिए ये आपको भी ले चलते हैं, और जैसे कि मैंने बताया कि नवरात्रि में विशेष महत्व होता है इस अखंड ज्योत का, तो चलिए आइए। और मैंने पहले ही बताया कि नागपुर, पश्चिम नागपुर में अपने इस मंदिर का एक विशेष महत्व है, क्योंकि बहुत कम मंदिर जो है माता रानी के, दुर्गा देवी की, एक प्रसिद्ध मंदिर जो है वो खामला में है, और उसके बाद प्रताप नगर में ये दुर्गा मंदिर है। और सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मंदिर के जो ऊपरी माला है उस माले पर हम आए हैं, और अमूमन बहुत कम बार जो है यहाँ के दरवाजे खुले होते हैं, सिर्फ नवरात्रि में ही जो है आपको यहाँ पर आने का मौका मिलेगा। तो हम आपको ऊपर लेकर आए हैं, यहाँ से हम आपको दर्शन कराएंगे। और मैंने कहा कि कई सारे लोग जो है वो इस ज्योत जलाते हैं, और ये वो सूची है कई सारे लोग उनके नामों की, जो लोग जिनके घर में जलाना ज्योत पॉसिबल होता नहीं है, या फिर जो कोई व्रत रखते हैं, या फिर जिनकी कोई ये होती है कि वो निश्चय करते हैं। तो आप देख सकते हैं तकरीबन कई सारे लोगों ने जो है यहाँ पर उनके नाम की ज्योत जो है वो जलाई जाती है, और प्रमुख ज्योत जो है वो इस ओर यानी कि पीछे की ओर जो है वो है, तो वो भी हम देख लेते हैं। और यहाँ पे भी देख सकते हैं आप माँ दुर्गा देवी की एक छोटी सी प्रतिमा जो है वो हमें दिखाई देती है, और साथ ही वो ज्योत भी है यहाँ पर जिसका विशेष महत्व इस नवरात्रि के दौरान जो है वो होता है। और फिर एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि नवरात्रि में हर मंदिर में जो है, और मैं बात कर रहा था कि जो लोग नहीं कर पाते हैं, कोई व्रत रखते हैं, कोई मांग करते हैं, वो उनकी पूरी हो जाती है,
तो ऐसे वो जोत जलाते हैं। सबकी अपनी अलग 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 धारणाएँ होती है। तो ये वो उन सारे लोगों की लिस्ट है जिन पर उनका नाम और नंबर लिखा हुआ है, और आप देख सकते हैं बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से जो है यहाँ पर जोते जलाई गई है। और सबसे ख़ास बात है कि पूरे 9 दिनों तक निरंतर ये जोत जो है ये ऐसे ही जलती रहती है, ये ख़ास बात है। और इस रूम की ख़ास बात करो तो इस रूम का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है क्योंकि इतनी सारी जोत जब जल रही होती है तो एक अलग ही टाइप की वाइब जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगी, जिसे पॉजिटिव वाइब भी जो है हम कह सकते हैं। तो चलिए, ये पूरा मंदिर हमने आपको दिखा दिया है, चलिए ये मंदिर के कुछ लोगों से हम बात करते हैं, कुछ भाविकों से बात करते हैं हम लोग, उनका क्या अनुभव है, क्या कहानी है मंदिर की, चलिए ये सब जानते हैं। पश्चिम नागपुर का एक बहुत ही बड़ा देवस्थान यानी कि ये श्री दुर्गा देवी मंदिर राणा प्रताप नगर का, हमारे साथ भाविक है। आपका नाम सर? प्रमोद पारधी। प्रमोद जी, कितने वर्षों से आप आते हैं, हर साल आते हैं कि पहली बार दर्शन के लिए यहाँ पर आए? नहीं, मेरा रहना यहीं पास में, तो मैं हर साल यहीं आता हूँ और हर साल कुछ दक्षिणा दान के लिए मैं आया हूँ पंडित जी को देने के लिए, और हर साल मिसेस के साथ आता हूँ, वो भी आएंगी दोपहर में, यहीं आता हूँ। 1.5 साल तक जो है मंदिर के दरवाजे बंद थे, अभी खुल गए हैं, तो कैसा लग रहा है? पिछली नवरात्रि इतनी अच्छी नहीं रही हम लोगों की, और इस बार नवरात्रि जैसे ही आई तो बहुत उत्साह वाला वातावरण, तो आपकी क्या भावनाएं हैं? नहीं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। कई यानी पिछले 1.5 साल से हम लोग मंदिर अंदर दर्शन नहीं कर पाए, इस साल मौका मिला है तो पूरी श्रद्धा के साथ हम लोग आज आए हैं, और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि फिर से सारे मंदिर के द्वार खुल गए हैं लोगों के लिए, ये एक बहुत अच्छा हमारे लिए ये। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। कोणतेही मंदिर असतं तर तिकडे विश्वस्त असतं, काही लोक नेहमी निस्वार्थ भावनेने सेवा करत असतात, तसंच या दुर्गा मंदिरची निस्वार्थ भावने सेवा करणारे सर आहेत। सर, आपलं नाव? लक्ष्मण आंबेकर। लक्ष्मणजी, किती वर्षापासून तुम्ही या मंदिराशी जोडलेले आहात? 31 वर्ष झाले, जेव्हा मंदिर बनलं तेव्हा 4 महिन्यानंतर आलो होतो मी, तेव्हापासून इकडेच आहे। काय काय जबाबदारी असते तुमच्यावर, काय काय करता? जबाबदारी मला पूरं इलेक्ट्रिकचं याचं संपूर्ण काम येते, आणि सर्व जबाबदारी असल्या, आणि बाकी ट्रस्टी लोक चांगले आहे, पांडे साहेब गे आपला हे हा। आता 1.5 वर्ष मंदिरं बंद होती, आता मंदिरं उघडली आहेत कोरोनानंतर, पहिले कसं वाटत होतं जेव्हा मंदिर बंद होतं आणि आता मंदिर उघडलं आहे तर कसं वाटतं? पहिले म्हणजे लोक येत जात होते आणि बंद असल्यावर असं म्हणजे हे होतं, आता मंदिर खुललं तेव्हापासून चांगलं वाटून राहिलं, तसं पूजा हे ते सर्व चालूच होतं नेहमीप्रमाणे, आरती सकाळची, आरती सायंकाळची, आरती पूजा नेहमीप्रमाणे चालूच होतं, फक्त लोकांचंच येणं बंद होतं। मंदिर के पुजारी जयंत हमारे साथ हैं। नवरात्रि का एक विशेष महत्व होता है और 1.5 साल कोरोना की वजह से मंदिर बंद थे, अभी फिर मंदिर खुले हैं, तो बहुत बहुत अलग आयोजन हुए हैं, कई सारे नियमों में बदलाव हुए हैं, तो इस दुर्गा मंदिर में क्या नियमों में बदलाव हुए और किस तरीके के 9 दिन रहे? ऐसा है, 9 दिनों में नियमों का ऐसा है, हमने पहले ही जो है बाहर ओटी की सभी व्यवस्था करके रखी है, और जो है अपने यहाँ पे जो जिनने दो डोज पूरा हुआ है उनको ही सिर्फ अंदर एंट्री है, और जो है 10 उम्र के नीचे के बच्चों के एंट्री नहीं है, और जो है अपने यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्दी दर्शन के वक्त होती है, तो उसमें भी हमने पालन किया है, जैसे कुछ फुट के अंतर पे हर एक आई इंसान को या फिर लेडीज़ को खड़े किया है, दो लाइंस रहती है अपने यहाँ पे, एक जो है ये लेडीज़ की वो साइड से लाइन रहती है, जेंट्स की इधर से रहती है। ओटी के इसमें कैसा है, अभी सबसे ज़्यादा गर्दी ओटी के टाइम पर होती है, तो ओटी के इस पे भी जिसको ओटी भरनी है सिर्फ वो एक ही औरत ये यहाँ पे बाहर देवी के पास में खड़ी रहेंगी, बाकी लोग दर्शन करके बाहर से आएंगे। अभी इस साल कैसा है, नवरात्रि का तो पिछले साल कुछ भी नहीं हुआ, तो ये सबसे मतलब बड़ा जो चैलेंज था, वो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि एकदम बिल्कुल पहले दिन ही मंदिर ओपन हो जाना था, तो उस दिन का वो बिल्कुल उसको कंट्रोल करना, लोगों को अच्छे से मतलब सबका दर्शन भी होना चाहिए और अपना नियम का भी पालन होना चाहिए, उस हिसाब से सभी अरेंजमेंट करके रखी थी हमारे मंदिर के ट्रस्टी लोगों ने, पहले ही वो सब उसका अरेंजमेंट करके रखा था। और नवरात्र का तो एक अलग ही आनंद होता है, उसके लिए पूरे साल भर से राह देखते हैं सब लोग, इसलिए उसका भी जो है अभी अगर कोरोना नहीं रहता तो अपने यहाँ पे प्रसाद रहता था कल के दिन आज के दिन, लेकिन कोरोना की वजह से प्रसाद भी नहीं है, तो उस वजह से थोड़ा कम है, लेकिन उत्सव बहुत बढ़िया है। आज नवमी है और नवमी का एक विशेष महत्व होता है, तो उस नवमी के बारे में क्या बताएंगे? नवमी का विशेष महत्व होता है, कल का पूरा निरंकाल उपास रहता है, पूरा मन से लोग उपास करते हैं, आज देवी को प्रसाद चढ़ा के घट का विसर्जन रहता है, लोग जो निरंकाल रहते हैं जो 9 दिनों से उपास करते हैं वो आज उपास कर छोड़ते हैं,
आज कुछ लोग नौ कन्याओं को भोजन कराते हैं या फिर सुवासिनी को भोजन कराते हैं, तो जो नवरात्र का नौ दिन का जो उपास होता है वो आज छूटता है। और वैसे ही देवी को प्रार्थना करते हैं कि जैसे पूरे साल सब कुछ ठीक रहता है वैसा ही पूरा साल इस साल भी ठीक रहना चाहिए। और हम तो देवी को ये प्रार्थना करेंगे जैसे ये कोरोना का संकट आया था वैसे ही ये दूर हो जाए और आज के बाद फिर से पलट के कभी ना आए, यही हमारी देवी को प्रार्थना है। बिल्कुल सही किया, हर इंसान यही चाहता है कि कोरोना का ये संकट भारत नहीं पूरे विश्व पर आया है ये जल्द से जल्द दूर हो जाए और हर आदमी जो है वो सुख समृद्धि और शांति के साथ जो है वो रहे। Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बँक नागपूर। आणि आज आम्ही आलो आहोत राणा प्रताप नगर स्थित दुर्गा मंदिर येथे आणि मंदिराचे अध्यक्ष दिगंबर जी आपल्या बरोबर आहेत। सर्वात पहिला प्रश्न त्यांना हाच विचारूया की किती वर्ष जुनं आपलं हे मंदिर आहे, काय मान्यता आहे आणि एखादी कथाही असेल या मंदिराशी जुळलेली तीही सांग। 1986 साली या मंदिराची स्थापना झाली आहे, आज 35 वर्ष झालेले आहे आम्हाला इथे। आणि या मंदिराची मान्यता अशी आहे की इथली देवी ही जागृत देवी आहे आणि हे जे मंदिर आहे हे भक्ती ज्ञान भक्तिपीठ, ज्ञानपीठ आणि मातृशक्तीपीठ आहे। या ठिकाणी महिलांचा संचार किंवा महिलांचं आगमन हे मोठ्या प्रमाणात होतं या ठिकाणी। आणि या मंदिराचे मुख्य जे कार्यक्रम आहे ते कार्यक्रम म्हणजे रामजन्म उत्सव, त्यानंतर भागवत कथा, श्रावण मासामध्ये संपूर्ण एक महिना भागवत कथा ज्ञानयज्ञ, त्यानंतर हा नवरात्रीचा महोत्सव आणि इतर देखील जसं गणेश जयंती आहे, त्यानंतर दत्त जयंती आहे, हे सर्व प्रकारचे करतो। उद्देश त्याच्यामागचा हा आहे, हा आहे की आपली भारतीय संस्कृती, संस्कार, धर्म, धार्मिक आणि आध्यात्मिक संकल्पना याचं जतन करणं, संवर्धन करणं, संगोपन करणं हा आमचा मुख्य उद्देश आहे। त्या दृष्टीने आम्ही सतत प्रयत्नशील असतो आणि आम्हाला इष्टी बाबा महाभक्तीच्या कृपेने आजपर्यंत यश आलेलं आहे। आज हा जो आमचा उत्सव होऊन झालेला आहे हा उत्सव असा समजा की वनथड आहे, वनथड जो आहे वनथड झालेला आहे। या ठिकाणी लाखो लोकांचं मंदिरामध्ये दर्शन करतात, सौभाग्यती महिला मांगल्याचं मागणं करता ओट्या घेऊन या मंदिरामध्ये येत असतात, सुख शांती समाधानाचं समृद्धीचं मागणं मागतात आणि वर्षभर एक नवीन ऊर्जा घेऊन पुढच्या याच्याकरता हे करतो। हा जो उत्सव आम्ही केलेला आहे हा उत्सव सरकारी नियमांचं काटेकोरपणे पालन करून आणि भाविकांच्या भावना जोपासून आम्ही केलेला आहे, हे निभय आणि निभय अशा पद्धतीने हा आमचा कार्यक्रम झालेला नाही आहे, नवरात्र झाले नाही, परंतु त्यातही आम्ही यशस्वी झालो। काल इथे अष्टमीचा होम झाला, कमीत कमी 750 ते 1000 दर्शनार्थी या ठिकाणी होते आणि सर्वांनी नियमांचं पालन केलं, त्यानंतर तुमचं काय म्हणतात होमाचा आनंद घेतला, प्रसाद वितरण झालं आणि सर्वांनी आज नवमी आहे, आज देखील आपण एक बघता। हा उद्देश हा आहे की आमची आम्हाला धार्मिक आणि आध्यात्मिक जो आमच्या ज्या संकल्पना आहे त्या जोपासतात हे आमचं कर्तव्य आम्ही समजतो आणि त्या दृष्टीने आमचे सर्व ट्रस्टी, मी अध्यक्ष आहे दिगंबर शंकर पांडे माझं नाव, मी अध्यक्ष असलो ते मला ह्या सर्व लोकांचे हा आनंद विनय पाठक हा एक चांगला कार्यकर्ता आहे। आता बाकीचे लोक इथे नाही आहेत आणि सगळे लोक मनोभावे सेवा देतात, मनोभावे सेवा देतात। दिगंबरजी, मी असं म्हणेन की कोरोनाच्या आधी आपण एका वेगळ्या पद्धतीनं नवरात्रोत्सव साजरा करत असतो, आता आपण थोड्या वेगळ्या पद्धतीने करतो, बदल काय काय जाणवला व्यक्तिगतरित्या तुम्हाला? व्यक्तिगतरित्या असं जाणं आहे की आम्ही सर्वांना
सर्वांना सेवा देऊ शकलो नाही. सर्वात महत्त्वाचं होतं तसं त्यांनी नियम काही दिला होता की 65 वर्षाच्या वरती जो असेल त्याला जीव देऊ नका, किंवा ज्यांनी दोन मात्रा घेतल्या नाही म्हणजे वॅक्सिनेशन झालं असेल त्यांनी, अशा लोकांनी जेव्हा जे हिमुसलेल्या मुखानीचे जेव्हा परत गेले तेव्हा आम्हाला वाईट वाटले. कारण की आमचा उद्देश होता की प्रत्येकाने दर्शन घ्यावं, आणि यातली सुंदर व्यवस्था म्हणजे अशी आहे की या ठिकाणी उटी भरण्याची व्यवस्था केलेली आपण बघता हा, आणि या ठिकाणी मुखदर्शन सर्व देवतांचं मुखदर्शन होतं. असा एकही मनुष्य वंचित नाही की ज्याला दर्शन झालं नाही. फुलं व्हायचे नाही, प्रसाद वाटायचा नाही, काही वाटायचं नाही. काल आम्ही प्रसाद वाटला अष्टमीला लक्षात, आणि आपण बघता हा ओटी भरण्याची व्यवस्था अगदी स्वतंत्र केली आहे, उत्तर केली आहे. रांगोळी पहा तुम्ही इथली, ही रांगोळी तुम्ही काढून घ्या. काल अष्टमीला रांगोळी देखील आम्ही काढली आहे. त्याच्यामध्ये प्रश्न असा आहे की आम्हाला तो जो आनंद होता की सर्व लोकं यायच्या आनंदाने इथे या ठिकाणी दर्शन घ्यायचे, तो आनंद आम्ही आम्हाला मिळाला नाही आणि आम्ही त्यांना देऊ शकलो नाही. अतिशय भावनात्मक झाले आहेत ते, आपण त्यांच्याशी नंतर बोलू. आनंद जे आहेत आपल्याबरोबर, असं म्हणतात की कोणत्याही मंदिराची जेव्हा स्थापना होते तर काही ना काही चमत्कार एखादा अनुभव असतो, तर तुम्हाला काही असा अनुभव आलेला? अनेक अनुभव या मंदिराशी संपर्कात जेवढी आजपर्यंत भाविक आहेत किंवा विश्वस्त म्हणा किंवा जे काही आहे त्यांना अनेक रूपात काही ना काही जाणवलेले आहेत. जसं एक उदाहरण सांगतो तुम्हाला की जसं देवीला एखादा आपण काही अर्पण करतो किंवा काही लोकांची भावना असते की आज मी देवीला हे अर्पण करते आहे, त्याच्यामध्ये काही ना काही उद्देश असतो. ठीक आहे, एक काय म्हणतात त्याला एक काही इच्छा असते प्रत्येकाची की हे माझं पूर्ण व्हावं. हां, काही ना काही देवीकडे साकडे घालण्या जातात. आता ठीक आहे, देवीला सगळ्या गोष्टी माहीत असतात, पण देवी त्या रूपाने तिला काही ना काही प्रत्येकाला त्याचा प्रसाद चांगल्या पद्धतीने देते, असे अनेक अनुभव इथे लोकांना मिळालेले आहेत. एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारेन की प्रत्येकाच्या जीवनात नवरात्रीचं विशेष महत्त्व असं तुमच्या जीवनात नक्कीच असेल, कारण तुम्ही मंदिराशी जुळलेला आहात, तर तुम्ही तुमची नवरात्री कशी सेलिब्रेट करा? बिलकुल, नवरात्रीचा उत्सव आमच्याकडे अष्टमीचा घोड भवानी देवीचा आमच्याकडे अष्टमीची पूजा असते. ती पूजा करून आम्ही मंदिरात यायची आम्हाला एक तळमळ असते की इथेसुद्धा देवीचं स्थान आहे, इथे घट बसलेला असतो आणि इथला एक उत्साह एक वेगळ्या पद्धतीचा असतो, कारण की एक जागृत देवीस्थान आहे इथलं नागपूरचं आणि ग्लोबली त्याला चांगली मान्यता मिळालेली आहे. फेसबुकवरती सुद्धा लोक त्याला लाईक करतात. आता आमचे काका जे आहेत पांडे काका जे अध्यक्ष आहेत, त्यांना अमेरिका काय, लंडन काय, युरोप काय आहे इकडनं देणगी करता त्यांना विचारणार होतं की आम्हाला देणगी द्यायची आहे बा मंदिरासाठी, तर त्याकरता आम्हाला काय करता येईल बा, याचा आम्हाला तुम्ही सहयोग करा. आता हे त्याचेही प्रयत्न चालू आहे त्यांचे आणि काही ना काही चांगल्या पद्धतीने अजून काही कार्य होईल निश्चितच. सगळं काही हे देवीच्या कृपेनेच होणार आहे. नक्की. शेवटचा प्रश्न विचारतो तुम्हाला, दसरा आहे आता उद्या, आज नवमी, तर काय शुभेच्छा द्याल तुम्ही आमच्या VKBच्या सर्व दर्शकांना? मी हेच म्हणेन की तुमच्या माध्यमातून आपल्या ज्या चांगल्या संस्कृती आणि संस्कार आहे ह्या गोष्टी तुम्ही केल्या पाहिजेत आणि माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवली पाहिजे. समजवायचं आहे, आपण जो प्रश्न विचारला होता याचे अनेक अनुभव मी तुम्हाला सांगू शकतो की आता तुम्ही 31 वर्षापासून जुळलेल्या तर भरपूर अनुभव असतात. मी आपल्याला दोनच उदाहरणं सांगतो, फार महत्त्वाचे सांगतो. बँक ऑफ इंडियामध्ये मी गेलो असताना मी कुठे जातो तर मंदिराबद्दल बोलत असतो. तिथे मंदिराबद्दल बोलत असताना एक बाई माझ्याकडे आली, म्हणजे तुम्ही मंदिराचे कोण आहात? म्हणजे मंदिराचा मी सेवक आहे. पदाला महत्त्व नाही आहे, सेवेला महत्त्व आहे. तर म्हटलं काय झालं? माझं लग्न होऊन 11 वर्ष झाले, मला मूल नाहीत, तर तुमची देवी मला देईल का? हा प्रश्न देईन मला केला. म्हणलं अवश्य देईल, अवश्य देईल. म्हटलं तुम्ही मनोभावाने शुक्रवार 5 शुक्रवार तुम्ही तुमच्या त्या देवीच्या दर्शनात जा, मनोभावे समर्पण व्हा आणि सांगा की मला काही मागायचं नाही, तुला जे द्यायचं असेल तू दे, मनामध्ये इच्छा फक्त ठेवा. आणि मी आपल्याला सांगतो त्या बाईला आज 2 मुलं आहेत. एक दुसरा अनुभव सांगतो की या मंदिरामध्ये यावर्षी आले नाही ते, कलकत्त्याहून एक सिन्हा नावाचे व्यवस्था आहे की ज्यांना जो मनुष्य फाटका मनुष्य म्हणतो जो एक प्रकारचा होता, या देवीच्या कृपेने तो इतका झाला की आज त्याचं इथे तुमच्या कलकत्त्यामध्ये त्याची मोठं एक एस्टॅब्लिशमेंट आहे आणि तो दरवर्षी येतो 11 हजाराची एक विमानाने येतो, विमानाने जातो, 11 हजाराची देणगी देऊन जातो. हे दोन्ही तुम्हाला सांगतो जे आहे तसे तर माझे जो पुष्कळ अनुभव आहेत थोडे थोडे. आणि माझे अनुभव सांगत असाल तर मी माझा अनुभव सांगतो तुम्हाला काही नाही, माझा नातू आपल्याला सांगू नाही पण सांगतो, हा काहीही कोणतीही परीक्षा न देता एक पेपर त्यांनी पब्लिश केला USAमध्ये आणि त्या USAच्या पब्लिशवरती त्याला PhDची ॲडमिशन मिळाली
आणि आता नोव्हेंबरमध्ये त्याला पीडी मिळणार आहे. आशीर्वाद आहे, आशीर्वाद आहे. आणि मी लिखाण करतो यांना माहीत आहे. आणि मला रात्री ज्या वाजता उठलो ते मला एकदम सुस्त फटाक तुम्ही दाखवतो, मला सुस्त आणि मी काव्य करतो लिखतो. हा तिचा कृपाप्रसाद आहे, एवढंच मला माझा अनुभव सांगायचा आहे तिच्यामुळे. धन्यवाद, खूप खूप धन्यवाद दिगंबरजी की तुम्ही महत्त्वाचं म्हणजे वेळ दिला आम्हाला आणि पूर्ण मंदिराचे चित्रण करण्यासाठी आम्हाला मुभा दिली त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. हे आमचं ही प्लेजर आणि आमच्या मंदिराची माहिती जितकी जास्त तुम्ही देऊ शकाल तेवढं द्या, आमच्याकडे पाठवा. आम्ही या ठिकाणी CCTV होती त्याची जाऊ आणि लोकांना त्याचा आनंद देऊ, कारण की प्रत्येकजण बघतो तसं नाही ना. असं आहे त्याच्यामध्ये. खूप खूप धन्यवाद. VKB टीमला दसरा आणि दिवाळीनिमित्त हार्दिक शुभेच्छा. आणि भगवतीला चरणी प्रार्थना करतो की आपली ह्या TV चॅनेल हा ग्लोबल त्याचा एक्झिस्टन्स. नक्कीच नक्कीच, खूप खूप धन्यवाद. तर आम्ही यूट्यूबवर सुद्धा आहोत चॅनल बरोबरच, तर त्यामुळे तुम्ही आम्हाला ग्लोबली सुद्धा बघू शकता देशाच्या कोणत्याही कोण्या कोपऱ्यात असाल तर नक्की. तर आज आपण आलो होतो राणा प्रतापनगर येथील दुर्गादेवी मंदिरात आणि महत्त्वाचं म्हणजे आपण संपूर्ण मंदिराचा परिसर पाहिला, मंदिराच्या अध्यक्षांशी बोललो, त्यांचे अनुभवसुद्धा जाणून घेतले. आमचा कार्यक्रम आवडला असेल तर नक्की लाईक कमेंट आणि शेअर करायला विसरू नका. आणि जर तुम्ही GTPL आणि ACNवर बघत असाल तर आम्ही फेसबुक यूट्यूब आणि इंस्टाग्रामवर सुद्धा आहोत, तुम्ही आम्हाला तिकडेसुद्धा फॉलो करू शकता. तर आजच्या कार्यक्रमात फक्त एवढंच, मी अमोल तुमची रजा घेतो, मात्र तुम्हा सर्वांना दसऱ्याच्या खूप खूप शुभेच्छा.